बाह्य परासरण और अंतः परासरण। जीवित कोशिकाएं एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली केवल कुछ अणुओं को ही अपने में से गुजरने देती है, दूसरों को नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इन्हें पानी या कोशिका के रस से कम सांद्रता के विलयन में रखा जाता है तो ये एक प्रक्रिया होने देती हैं, जिसे कि परासरण कहा जाता है। जब एक कोशिका को शुद्ध पानी में रखा जाता है तो पानी कोशिका के अंदर चला जाता है, इसे अंतः परासरण कहा जाता है। कोशिकाओं के फूल जाने के रूप में इसे देखा जा सकता है। जब एक कोशिका को कोशिका के रस से अधिक सांद्रता के विलयन में रखा जाता है तो कोशिका का पानी बाहर आ जाता है, इस कारण से कोशिकाएं पिचक जाती हैं, इसे बाह्य परासरण कहा जाता है। बाह्य परासरण और अंतः परासरण को प्रदर्शित करने के लिए आपको चाहिए कुछ सूखे हुए अंगूर या किशमिश, दो बीकर नमक और एक चम्मच। दो बीकर लें और उन्हें ए और बी के रूप में चिन्हित कर लें। 250 मिलीलीटर पानी में 4 से 6 चम्मच नमक को घोलकर नमक का विलयन बना लें। बीकर ए को नल के पानी से आधा भरें और बीकर बी को नमक के विलयन से आधा भर लें। अब दोनों बीकरों में 5 किशमिशें डाल दें और कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा ही छोड़ दें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बीकर ए में किशमिश फूल गई है और बीकर बी में किशमिश पिचक गई है। इस प्रकार हमने बीकर ए में किशमिश में अंतः परासरण और बीकर बी में किशमिश में बाह्य परासरण को प्रदर्शित किया है। सवाल जवाब। कोशिकाओं को अंतः व बाह्य परासरण की जरूरत क्यों है? पानी और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को कोशिकाओं के अंदर ले जाने और बाहर निकालने के लिए परासरण की जरूरत होती है। ये दिलचस्प है कि परासरण के कारण ही हमें प्यास लगने पर भी समुद्र का पानी नहीं पीने की चेतावनी दी जाती है। नाविकों को समुद्र में प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र का पानी लवणीय होता है और इसे पीने से हमारे शरीर का पानी कम हो जाता है। ये कोशिकाओं के पानी को सुखा देता है, जिससे कि वे सिकुड़ जाती हैं और फिर मर जाती हैं।